नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, पिछले 5 सालों से मैं यूट्यूब पर कूर्म क्षत्रिय भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं और उनको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस कुंठित मानसिकता में वो अपना जीवन जी रहे हैं, असल में वो उससे कहीं ज़्यादा आगे थे और उनका कहीं ज़्यादा आगे गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बहुत ही न्यायप्रिय जाति रही है इस पृथ्वी पर। अगर आप इनके इतिहास को देखेंगे तो काफ़ी मार्मिक इतिहास रहा है। जिस शब्दों को हम सुनते हैं कि न्यायप्रिय राजा होना चाहिए, राजा जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए, वैसे राजा कुर्म क्षत्रियों के वंश में आपको मिलेंगे। और उस गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ एक बिरादरी जो धीरे धीरे टूट कर पूरे देश में बट गया और यहाँ से आप उत्तर प्रदेश से लेकर आप हरियाणा से लेकर चेन्नई तक यानी कि तमिलनाडु तक आप उस बिरादरी के लोगों को पा सकते हैं। उन बिरादरी के लोगों को कुछ 4-5 टिप्स मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ और बताना चाहूँगा कि आप लोग उन पर अमल करिए तो आप अपने मान सम्मान और गौरव को वापस हासिल कर सकते हैं। जो कुछ कमियाँ हमारे में रह गई उनको हमें दूर करने की आवश्यकता है और समय के साथ साथ हमें भी अपने इतिहास के साथ जुड़कर अपना गौरव वापस लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही न्यायप्रिय जाति रही है, तो कूर्म क्षत्रियों को चाहिए कि उनका जो व्यवहार हो अपने पूर्वजों से काफ़ी मिलता जुलता रहे। उनके पूर्वज न्यायप्रिय थे तो आप अन्याय की तरफ कभी भी सपोर्ट मत करिए। वो चाहे आपका अपना ही कोई कुछ गलत कर रहा हो तो उस समय आप अपने उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। आप वेद पुराणों को पढ़िए, कोशिश करिए कि 1000 शताब्दी से पूर्व के जो पुराण हैं उनका अध्ययन करिए। वो आपके इतिहास से जुड़े हुए हैं, उनको आप पढ़िए। और इसके लिए आपको बहुत सबसे ज़रूरी ये है कि आपको शिक्षित होना पड़ेगा और आप अपने क्षत्रिय वर्ण के करेक्टर्स को पहचानने की कोशिश करिए। क्षत्रिय बहुत ही न्यायप्रिय होता है, ये किसी का दमन नहीं करता, ये स्त्रियों का बहुत ही सम्मान करता है। और कूर्म क्षत्रियों ने ऐसा किया है। इतिहास उनका अपना इतिहास, लिखित इतिहास, अब मैंने अपने इस चैनल पर बताया भी है कि 4 शिलालेख कूर्म क्षत्रियों के मिले हैं जो इक्ष्वाकु वंश के राजा होने के प्रमाण हैं। वो 4 शिलालेख आप देखिए और अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप तो खुद एक महान राजा के वंशज हैं। तो एक थोड़ो, अनेकों महान राजा इस वर्ण में, इस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए और कोशिश करिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपको समय समय पर कूर्म क्षत्रियों से के गौरव से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो कम से कम निकल कर आपके सामने पहुंचता रहेगा। और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आज एक छोटे से संदेश के साथ, क्योंकि मैं कूर्म क्षत्रियों को बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय वर्ण किसी की बपौती नहीं होती है, वो आप भी क्षत्रिय हैं। पूरे हिंदुस्तान में अनेकों प्रजातियों के क्षत्रिय पाए जाते हैं। कोई सिसोदिया है, कोई कुशवाहा है, कोई कूर्म क्षत्रिय है, कोई राजपूत क्षत्रिय है, बहुत सारे क्षत्रिय, कोई मराठा है। इस तरह से आप भी अपने इतिहास को पहचानिए। एक्चुअली उत्तर प्रदेश और बिहार से हमारे कूर्म क्षत्रियों का पलायन हुआ। कम्मा प्रजाति तमिलनाडु में चली गई, बिहार में कुछ अवधिया चले गए, इस तरह से परिवार बिखर गया। तो उस चीज़ को आप लोग पहचानिए। महाराष्ट्र में मराठा, कूर्म क्षत्रिय, पाटिल, रजवाड़े, ये सब आपका परिवार है। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आज आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन आप सबसे एक बात अपनी मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग शायद भूल जाते होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मैं आप ही के बीच का हूँ और आप सबका एक सब्सक्राइब हमको बहुत एनर्जी देता है हमारी टीम को काम करने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल का प्रोग्रेस अच्छे से हो सके और आपकी बात जो है वो समाज में बहुत अच्छे से पहुंच सके। कि आपने बहुत साल खो दिए ऐसे प्रयासों को करने में, आप समर्थन दीजिए, फिर आप देखिए कि आप अपने आप को पहचान पाएंगे। इसी के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स, आपका भाई, नमस्कार।